हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट, और मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे जिस सीरीज का, वो सीरीज रिलीज हुई अमेजोन प्राइम पे जिसका नाम है जस्ट एड मैजिक अ मिस्ट्री सिटी। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के बारे में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है रोहित, उसने कहा था कि भाई इस सीरीज का रिव्यू करो। तो फाइनली मैंने इस सीरीज को देख लिया और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है सीजन 1 है, इससे पहले ये इसको आप रिबूट ही कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले एक टेलीविजन सीरीज बन चुकी है जिसमें कई ज्यादा सीजन थे जिसका नाम था जस्ट एड मैजिक। तो ये समझ लो कि उसका कंटिन्यूएशन ही है, और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है सीजन 1 देख के इसको एक परफेक्ट एंडिंग देने की कोशिश की गई है। हालांकि अब अगर ये सीजन 1 चलता है, लोग ऑडियंस पसंद करती है, तो शायद इसका सीजन 2 भी आएगा। लेकिन खैर, फिलहाल तो सीजन 1 की कहानी आपको बताता हूँ। कहानी शुरू होती है एक जादुई किताब से जिसका नाम है कुक बुक। उसमें कई जादुई रेसिपीज लिखी गई है जिसको बनाने से आदमी जादू कर सकता है। अब वो रेसिपीज किस तरह से बनती है, वो तो नॉर्मल जैसे आप इंग्रेडिएंट्स लाते हो घर पे खाना पकाने के, उसी से। लेकिन जो उसके मसाले होते हैं, वो मसाले सिर्फ कुछ खास किस्म के मसाले होते हैं जो घर में उगाए जाते हैं, और वो सिर्फ वही लोग उगाते हैं जो उस बुक के रखवाले होते हैं, यानी के प्रोटेक्टर होते हैं। तो इस सीजन में हमारे जो 3 नए प्रोटेक्टर है उनका नाम है जोई, लियो और इश। तो तीनों हमारे इस जादुई किताब के प्रोटेक्टर है, और तीनों को ये भी पता है कि ये मसाले कहाँ उगाते, क्योंकि इन लोगों को ये सब बताया पुराने प्रोटेक्टर्स ने। यानी कि जैसे कि मैंने कहा, इससे पहले जो टेलीविजन सीरीज बनी तो उसमें जो प्रोटेक्टर्स थे वो तीन लड़कियां इनको बताती कि मसाले कैसे उगाते हैं, कैसा क्या करना है, इस बुक को किस तरह से तुमको प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली वो लोग सब कुछ इन लोगों को बताते थे। तो ये बच्चे पूरा माइंड सेट है, इनको सब प्रिपेयर है कि इनको क्या करना है आगे चल के। लेकिन इनकी लाइफ तब बदल जाती है जब इनको पता चलता है कि एक जादुई आटा है, आटे का पता इनको कुछ क्लूज के जरिए लगाना है। अब वो क्लूज के जरिए वो आटे तक लोग पहुंच पाते हैं या नहीं पाते हैं, बेसिकली यही सीरीज की कहानी है। और आप लोग बोलोगे ये आटा क्या करेगा, तो जो आटा है वो आटा इतना ज्यादा जादुई है उससे पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो सकता है, और उस आटे के पीछे एक विलेन भी पड़ा हुआ है। तो बस यार, ये सीरीज में आपको बस यही सब चीजें देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर एक एजेस के लोगों के लिए बनाया गया शो है। और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही डिसेंसी से बहुत ही अच्छा शो है। मतलब मैं कहीं से भी इस शो में बोर हुआ नहीं। तकरीबन 10 एपिसोड से, हर एक एपिसोड के लिए लगभग आधे घंटे की है, और जितने भी एक्टर्स है, वो जितने भी बच्चे हैं, सबका काम बहुत अच्छा है। क्योंकि उनको, मुझे सीरीज देखते हुए लगा था उनको पता है कि वो लोग एक्चुअली कर क्या रहे, तो जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे सब कुछ एकदम शांत। हाँ, इस सीरीज में आपको पुराने 3 प्रोटेक्टर्स लड़कियां भी नजर आती है, लेकिन आप लोग ये मत सोचो कि आपको पुराना सीजन देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप लोगों ने वो सीजन नहीं भी देखा हो तो भी आप लोग ये सीरीज को देख सकते हो, यानी कि सीजन 1 को देख सकते हो, कहीं से भी आप लोग बोर हो गए नहीं, ना तो आपको ऐसा लगेगा ये सब चीजें हमारे सर के ऊपर से आ रही थी, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। आप इसे अमेजोन प्राइम पर हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा कई अदर्स लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगी। उसके पीछे की वजह यही है कि ये सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अब जब भी लोगों ने इसका सीजन 1 यानी कि रिबूट करने की कोशिश की, तो ये रिबूट कितना चलता है, लोगों को कितना ज्यादा पसंद आता है, ये तो बात वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज देख चुके तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो बस मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूं राशि शेख, बाय।